हेलो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, अगेन स्वागत है एस पी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल के अंदर। और एक खास अपडेट और आ गया इसके जस्ट बाद में कि सीएचओ राजस्थान का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद में आ गया कि भाई आपको विद इन 3 डेज जो है ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग का काम क्या रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। रघु शर्मा जो है अपने, उन्होंने जो यहाँ पे एक ट्वीट किया है उसके अंदर लिखा है कि सीएचओ की जो मूल रूप से जो प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी थे एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक जो थे, उनको कोरोना महामारी को देखते हुए इनको जो है तत्काल फील्ड में भेजा जाएगा और चयनित अभ्यर्थी को आगामी 3 दिन के अंदर आवश्यक रूप से अपनी ड्यूटी में उपस्थित होने होंगे। यानी 3 दिनों के अंदर आपको ड्यूटी मिल जाएगी और 1 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपकी ड्यूटी कोरोना के अंदर फील्ड में होगी, यानी गांव डोर टू डोर वहां पे आपकी जो पोस्टिंग होगी और वहां पर सर्वे का काम आपको दिया जाएगा। देखिए एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाते हैं रघु शर्मा जी ने क्या कहा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के 7810 पदों की विज्ञप्ति जारी की थी टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, और इनका 10 नवंबर 2020 को परीक्षा भी इनकी हो गई। लंबे समय से ये अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कहते हुए कि इन 7810 जो पोस्ट है इनके अगेंस्ट 7353 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हमने पूरा कर लिया है और उनका परिणाम आज जारी भी कर दिया गया है। शेष 457 जो कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया है। जिन जिलों में ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आम व्यक्ति की काउंसलिंग का काम, डोर टू डोर सर्वे का काम, इस काम में इन लोगों की सेवाएं ली जाएगी और इनकी सेवाएं संबंधित जिला कलेक्टर्स को दी जा रही हैं। उससे पहले 3 दिन में इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है और ज्वाइन करते ही जो संबंधित ज्वाइंट डायरेक्टर है हमारे विभाग के, उनको 1 दिन की ट्रेनिंग देंगे और इनको जिला कलेक्टर्स को इनकी सेवाएं देके और इनकी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी के इस प्रकोप के दौर में दी जाएंगी। मैं समझता हूं कि कोविड महामारी के इस दौर में ये सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ राजस्थान के ग्रामीण अंचल में इस महामारी को झेल रहे हमारे लोगों को अपनी सेवाएं देंगे और मुसीबत के इस टाइम मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार के द्वारा ये उठाया गया है।